ब्रिटानी प्रधानमंत्री थेरेसा मे की योजना को 432 सांसदों ने खारिज कर दिया और उन्हें केवल 202 सांसदों का समर्थन मिल सका। यहां तक कि खुद थेरेसा मे की कंजर्वेटिव पार्टी के 118 सांसदों ने विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर इस डील के खिलाफ वोट दिया। किसी बिल या मसौदे पर यह किसी भी मौजूदा सरकार के लिए सबसे बड़ी हार है। हालांकि विपक्षी लेबर पार्टी के 3 सांसदों ने डील का समर्थन किया। प्रधानमंत्री थेरेसा मे की योजना को मिली इस ऐतिहासिक हार के बाद विपक्षी लेबर पार्टी ने सरकार के खिलाफ अविश्वास मत का प्रस्ताव दिया है। सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पर आज बहस हो सकती है। अगर आज थेरेसा मे सदन का विश्वास हासिल करने में नाकाम रहती हैं तो उन्हें या किसी और को 14 दिनों के अंदर सदन का विश्वास हासिल करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर कोई सरकार नहीं बन पाती है तो फिर ब्रिटेन में आम चुनाव की घोषणा हो सकती है।